हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पुरस्कार 2020-2021 में कौन से पुरस्कार किसको मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है कि भारत रत्न 2019। तो भारत रत्न 2019 में तीन लोगों को मिला है। पहला है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणव मुखर्जी को मिला है। भारत रत्न 2019 नाना साहब देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणव मुखर्जी को। 2020 में भारत रत्न किसी को नहीं मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2020। तो सरस्वती सम्मान 2020 मिला है शरण कुमार निम्बाले को, सनातन के लिए। सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार निम्बाले सनातन के लिए मिला है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्यास सम्मान 2020, ये मिला है शरद पगारे को। ब्यास सम्मान शरद पगारे पाटलिपुत्रा की सामग्री के लिए, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021, ये मिला है अनामिका को हिंदी में और अरुपंती सुब्रमण्यम को इंग्लिश में, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2020। तो बुकर पुरस्कार 2020 मिला है डगलस स्टुअर्ट को, तो इसको आप याद रखेंगे। बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 मिला है फिल्म छिछेरों को। अब एक्टर में है मनोज वाजपेयी और धनुष को, अब एक्ट्रेस में कंगना रनावत को मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार छिछेरों आ गया, अब एक्टर में मनोज वाजपेयी और धनुष को मिला है, अब एक्ट्रेस में कंगना रनावत को, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020, ये रजनीकांत को मिला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 रजनीकांत। नेक्स्ट है वन कर्मन अवार्ड 2020, ये मिला है के सिवान को, जो इसरो के अध्यक्ष है, तो इसको आप याद रखेंगे, वन कर्मन अवार्ड 2020 के सिवान को। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, तो ये पाँच लोगों को मिला है, इसको आप याद रखेंगे। पहला है रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए, दूसरा है विनेश फोगाट पहलवान के लिए, तीसरा है रानी रामपाल हॉकी के लिए, चौथा है मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए, पांचवा है मरियप्पन थंगवेलु एथलीट के लिए। ये पांचों के राष्ट्रीय गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पद्म विभूषण 2021। तो पद्म विभूषण 2021 में सात लोगों को मिला है पद्म विभूषण, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, पहला है सुदर्शन साहू, बीवी लाल, बिल्ले मिनियप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कृपरानी और सिंजो अबे और बाला सुब्रमण्यम और लास्ट में है मौलाना बहीउद्दीन, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2020, तो ये मिला है बेस्ट फिल्म पैरासाइट के लिए। ये ऑस्कर अवार्ड है 2020 बेस्ट फिल्म पैरासाइट, बेस्ट एक्टर है जोकिन फिलिंग्स मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस रेनी जेल वेगर, तो इसको आप याद रखेंगे तीनों को। ऑस्कर अवार्ड, फिल्म है पैरासाइट, एक्टर है जोकिन फिनिक्स, एक्ट्रेस है रेनी जेल वेगर। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, तो इसको मिला है अक्कीथम अच्युतम नंदमुंद्री को मिला है मलयालम कवि के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2020, तो टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2020 मिला है कमला बुआ और जो बाइडन के, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, जो बाइडन और कमला बुआ को मिला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। नेक्स्ट है द डायना अवार्ड 2020, ये मिला है भारत की प्रिया ठकराल को। द डायना अवार्ड भारत की प्रिया ठकराल को मिला है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020, यह वैज्ञानिक रतन लाल को मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 वैज्ञानिक रतन लाल। नेक्स्ट है ई पंचायत पुरस्कार 2020, तो ये मिला हिमाचल प्रदेश को। ई पंचायत 2020 ये हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंस एवं टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 किसको मिला है, तो ये सौरभ लोढ़ा को मिला है। साइंस एवं टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 सौरभ लोढ़ा को मिला है, इसको आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020, ये मिला है सर्वानंद सोनेवाल को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 सर्वानंद सोनेवाल। नेक्स्ट है महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2020, ये किसको मिला है, नीति कुमारी। महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 नीति कुमारी को मिला है, इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद।